बच्चों, आज हम इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड से एक पोयम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सी पोयम पढ़नी है हमें। सबसे पहले हम जब अपनी बुक के चैप्टर्स खोलेंगे तो हमें एक कंटेंट लिखा हुआ पेज मिलेगा। ये एक तरह से इंडेक्स है जिसमें आपके चैप्टर्स जहाँ जहाँ हैं उनके नाम और उनके पेज नंबर्स लिखे हैं। तो ये हमें पढ़नी है पोयम सी सॉन्ग। तो ये पेज नंबर 34 के बाद मिलेगा, तो हम 34 पेज नंबर निकालते हैं। ये देखिए नीचे पेज नंबर्स लिखे हैं, तो हम जाएंगे आगे आ गए, तो ये रहा 34 पेज नंबर। और इसमें ये जो पोयम है सी सॉन्ग, ये हम पढ़ेंगे। हैव यू एवर कलेक्टेड शेल्स? इन्जॉय दिस पोयम अबाउट अ शेल दैट सिंग्स। बच्चों, क्या आपने कभी शेल्स यानी कि सीपियाँ इकट्ठी की हैं? ये देखिए, ये रही, इस बच्चे के हाथ में सीपियाँ हैं और पिक्चर में आप देखोगे यहाँ पे भी और यहाँ पे और यहाँ पे भी सीपियाँ गिरी हुई हैं। चलिए पोयम पढ़ते हैं जो कि शेल्स के ऊपर है, ठीक है। और पोयम का नाम है सी सॉन्ग। सी यानी कि समुंदर, सॉन्ग यानी कि गाना, समुंदर का गाना। आई फाउंड अ शेल अ करली वन। मुझे एक शेल मिला, अ करली वन, लाइंग ऑन द सैंड। कहाँ पड़ा था वो? सैंड पे यानी कि रेत पर। आई पिक्ड इट अप, मैंने उसे उठाया, एंड टुक इट होम और उसे घर ले आया। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, ठंडा था वो बिल्कुल, मेरे हाथ में था तो बिल्कुल ठंडा था वो। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर। मम्मी ने उसको देखा और उन्होंने उसको मेरे कान के पास रखा। ये देखिए कैसे पिक्चर में जो मम्मी हैं वो कान के पास रख रही हैं शेल को, जो वो सीपी लेकर आया है। एंड फ्रॉम द शेल There came a song, और उस शेल में से क्या सुनाई दिया? एक सॉन्ग सुनाई दिया, एक गाना सुनाई दिया। सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर, सॉफ्ट बिल्कुल आरामदायक यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट था वो, सुनने में अच्छा था, मधुर था। स्वीट यानी बिल्कुल मीठा था, और क्लियर बिल्कुल साफ था। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई लिसन्ड हार्ड, मैं बहुत चौंक गया और मैंने और ध्यान से सुना। बट इट वॉज रियली ट्रू, पर ये सच्ची में था। आई विश यू हैड फाइंड अ नाइस बिग शेल, मैं प्रे करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आपको भी एक बड़ा बड़ा और अच्छा सा सीपी मिल जाए यानी कि शेल मिल जाए। एंड हेयर इट सिंगिंग टू, और आप भी उसे सुनो गाते हुए। तो बच्चों, इस पोयम में एक बच्चा है जो कि जिसको नदी किनारे सी शोर पर यानी कि नदी किनारे सीपी मिलता है, एक शेल मिलता है, और वो उसको उठाकर घर लेकर आता है। उसकी मम्मी उसको कान के पास जब लगाती हैं सीपी को, तो उसको उसके अंदर से एक आवाज़ सुनाई देती है जो बिल्कुल गाने जैसी लग रही होती है। वो भी ये सुन के बहुत हैरान रह जाता है। तो बच्चों, ये है ए पोयम सी सॉन्ग के बारे में। इसके अंदर कुछ न्यू वर्ड्स हैं। शेल, शेल सीपी होती है। हेल्ड, हेल्ड मतलब पकड़ना। सरप्राइज, सरप्राइज्ड मतलब चौंक जाना। करली, करली होता है कुछ टेढ़ी लाइंस, घुमावदार लाइंस इस तरह, ठीक है, वो होता है करली, घुमावदार लाइन। ये हो जाएगी सीधी स्ट्रेट लाइन और ये है करली लाइंस। उसके बाद ये है क्लियर, क्लियर मतलब साफ। तो ये पोयम मैंने एक बार पढ़ दी है आपको, आप भी अपनी बुक में से ये पोयम ज़रूर पढ़ें और उसके बाद न्यू वर्ड्स भी ज़रूर देखें। बच्चों, ये पोयम सी के बारे में है, और आप भी मुझे बताएं क्या आप कभी नदी किनारे गए हो या आपने कभी सीपी देखी है या नहीं। आज का काम करें, और कुछ भी प्रॉब्लम आए, समस्या आए तो मुझसे पूछिए। टेक केयर, बाय।